Complete Attu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, कंप्लीट एजु ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से परागकणों का स्फुटन होता है और परागकण वायु मुक्त होते हैं, उससे पहले हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करें, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या है, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए पोलन ग्रेन, कि एक पोलन ग्रेन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और वो क्या किस प्रकार से उसकी जो संरचनाएं हैं, परतें हैं, वो कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले दोनों को ये जानना है कि परागकण वास्तव में क्या है, कि परागकण एक नर जननिक काय है, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, पुष्प की नर जननिक काय है, यानी कि जो फ्लावर है उसका मेल पार्ट है, अगर सिंपल बात करें नर भाग है, ठीक है। एक कोशिकीय होता है, जब बनता है उस समय एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रकीय होता है और अगुणित होता है। बाद में इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, वो अपने देखेंगे, जब ये गैमेटोफाइट की शेप लेगा, जब परागकण अंकुरित होकर के गैमेटोफाइट बनेगा, नर युग्मकोद विध का निर्माण होगा, उस टाइम इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है। लेकिन उससे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि इस समय ये एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रकीय होता है, अगुणित होता है। अगुणित यानी कि हैप्लोइड स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि हैप्लोइड क्यों है, क्योंकि किस विभाजन के फलस्वरूप बना है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बना है, तो अगुणित है। अंडाकार या गोलाकार संरचना होती है, संरचना जो है वो अंडाकार या गोलाकार। साइज यानी कि परागकण का साइज क्या होता है, कि वो 15 से 200 माइक्रोन तक का परागकण का साइज हो सकता है। अब बात है कि सबसे छोटा परागकण, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, नीट वगैरह के अंदर ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, कि सबसे छोटा परागकण मायोसिटिस के अंदर होता है, 10 माइक्रोन का साइज का होता है, और सबसे बड़ा मिराबिलिस जो है, 4 o'clock प्लांट जिसको बोलते हैं, मिराबिलिस जो प्लांट, उसके अंदर क्या है, 250 माइक्रोन या 250 माइक्रोन का जो है ये परागकण का साइज होता है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस डायग्राम को देखिए कि परागकण के ऊपर जो है दो चोल होते हैं, दो परतें होती है। बाहर की जो परत है उसको कहा जाता है बाह्य चोल या एक्साइम, बाह्य चोल है। उसके बाद एक अंदर की तरफ जो चोल होता है वो है अंतस्चोल या एंटाइम कहा जाता है, जिसको एंटाइम, अंदर एक बड़ा सा एक एक वृत्तिका का निर्माण हो जाता है और एक छोटा क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये जो पार्ट है बीच में, यहाँ पर क्या है, कोशिका द्रव्य है, परागकण का कोशिका द्रव्य पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन परागकण की जो अपने बात करें तो सबसे पहले एक्साइम के बारे में अगर बात करें तो एक्साइम जो परत है, एक्साइम जो है उसमें क्या क्या चीजें होती है वो थोड़ा सा अपने को ध्यान करना है, कि एक्साइम जो परत होती है जिसको अपने बाह्य चोल कहते हैं, परागकण का बाह्य चोल जो है, परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है, हमें पता है कि परागकण का जो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलनिन का बना होता है। स्पोरोपोलनिन नाम के एक यौगिक का, एक कंपाउंड का बना हुआ होता है परागकण का बाह्य चोल जो है। अब बात करते हैं अपने इसमें स्पोरोपोलनिन आया कहाँ से, तो अपने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जो टैपिटम की जो सेल्स होती है वो टैपिटम की कोशिकाओं से जो स्पोरोपोलिन है वो स्त्रावित होता है, किसके थ्रू, किसके ऊपर होता है ये, कि टैपिटम के अंदर क्या बनते हैं, टैपिटम के अंदर क्या होता है, युबिशकाय बनते हैं, क्या बनते हैं, युबिशकाय या युबिश बॉडी का निर्माण होता है। ये युबिश बॉडी के ऊपर की जो परत होती है, युबिश बॉडी के ऊपर की जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। और जब टैपिटम अपना पोषण परागकणों को दे देता है, अपना जो जीव द्रव्य है वो उसके अंदर डिजॉल्व कर देता है, तो ये युबिशकाय का जो स्पोरोपोलिन है ये परागकण की बाह्य परत को बना देता है। अब परागकण की बाह्य परत तो बन चुकी है, स्पोरोपोलिन की बनी है, ये जो परत होती है ये अलंकृत होती है। अलंकृत, अलंकृत का मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस नहीं होती, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक स्मूथ सरफेस नहीं है, ये एक इस प्रकार से आड़ी तिरछी जो एक सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है, इसीलिए इसको कह दिया जाता है कि ये अलंकृत सरफेस है, ऑर्नामेंटेड सरफेस है, ठीक है। तो
तो स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। और स्पोरोपोलिन के बारे में अगर अपने जाने कि स्पोरोपोलिन जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा यौगिक है जिसको किसी भी जैविक या भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, अपघटित नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको याद रखना कि परागकण की बाह्य परत स्पोरोपोलिन की बनी हुई है और स्पोरोपोलिन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा यौगिक है जिसको हम किसी भी जैविक भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अपघटित नहीं कर सकते, उसका डिजोल्व नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी एंजाइम है, कोई भी केमिकल है, उसके उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होती, वो उससे डिजनरेट नहीं होता। ठीक है, तो अब जब सिंपल सी बात है कि जो इंटाइन है इससे पराग नलिका जब बनेगी, इंटाइन से जब परागकण अंकुरित होगा उस समय पराग नलिका निकलने के लिए इसमें क्या है कि कहीं कहीं ऐसी परत होती है, कहीं कहीं परत क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस का मतलब असतत होती है कि कहीं पर ऐसा आवरण पाया जाएगा या ऐसी जगह पाई जाएगी जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, स्पोरोपोलिन नहीं है, तो उस क्षेत्र से पराग नलिका का विकास होता है इंटाइन के थ्रू। याद रहेगी ये बात कि जो जनन छिद्र है जिससे क्या होगी, पराग नलिका का निर्माण होगा। स्पोरोपोलिन आपको याद रखना है इस प्रकार से, किसका बना है, स्पोरोपोलिन का बना है जो एक्साइन है वो। और सेकंड अगर अपने बात करें इंटाइन की, तो इंटाइन क्या है, इंटाइन अंतश्चोल है, अंतश्चोल है, परागकण की आंतरिक भित्ति है। परागकण की जो आंतरिक भित्ति है वो बनी किसकी होती है, वो पेक्टिन व सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड है। पेक्टिन और सेल्यूलोज या पेक्टोसेल्यूलोज भी कह देते हैं, कंबाइंड रूप से इसको पेक्टोसेल्यूलोज भी कहा जाता है। पैक्टिन और सेलुलोज को कंबाइंड रूप से पैक्टोसेलुलोज भी कहा जाता है। तो परागकण की आंतरिक परत जो इंटाइन है वो किसकी बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद में अगर अपने एक्साइन की अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसकी देखें, तो एक्साइन जो है वो दो भागों में बंटा हुआ है, एक है एक्ट एक्साइन और दूसरा है एंड एक्साइन। बाहरी बाह्य चोल और आंतरिक बाह्य चोल, बाहरी बाह्य चोल की अगर अपने बात करें तो वो तीन परतों से मिलकर के बनना है, टेक्टम, बेकुलम और फुट परत, ये तीनों मिलकर के बाह्य पार्ट को बनाते हैं। बेकुलम जो होता है उसके अंदर कहीं कहीं पर बीच में स्पेसेस भी पाए जाते हैं, खाली जगह भी पाई जाती है। तो एक्साइन के बारे में ये बात रखें, एक्साइन जो एक्ट एक्साइन है वो तीन भागों में बंटा हुआ है, टेक्टम, बेकुलम और फुट परत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने परागकण की बात करें कि और परागकण के बारे में क्या हो सकता है, अदर जो फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम बात करते हैं परागकण के जीवन काल की। परागकण का जीवन काल, जीवन काल से मेरा तात्पर्य ये है कि परागकण जब परागकोष से प्रस्फुटित हो गए तो कितने समय तक उनमें अंकुरित होने की क्षमता पाई जाती है। ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर डिफरेंट होती है कि इसके अंदर जो कुछ समय के अंदर तो हो सकता है कुछ मिनट हो, किसी के अंदर कुछ महीने भी हो सकते हैं कि जब परागकण निकला है तो उसके ऊपर कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स काम करते हैं, उस पर भी कई बार डिपेंड करता है। लेकिन अपने कॉमनली बात करते हैं कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो जो मोनोकोट यानी कि एक बीजपत्री जो पादप हैं, मोनोकोट्स हैं, एक बीजपत्री पादप हैं, जैसे कि अगर एक बीजपत्री का अपने आमतौर पर जो एग्जांपल लेते हैं कि राइस है, वीट है या मेज है, ठीक है, इनके अंदर परागकण का जीवन काल या वायबिलिटी पीरियड जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वायबिलिटी पीरियड या जो जीवन काल है वो कितना होता है जी, तो वो 30 मिनट तक का होता है, आधे घंटे का होता है। याद रहेगी बात कि एक बीजपत्री जो होते हैं यानी कि जो अपने मुख्य तरह हैं, इनके अंदर परागकण का जीवन काल 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट तक अगर वो 30 अपने प्रस्फुटित होने के बाद
30 मिनट तक अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच गए हैं, स्टिग्मा तक पहुंच गए हैं, तो वो अंकुरित होने की क्षमता पाई जाएगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, उनकी जो अंकुरण क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर अपने बात करें कुछ डायकोट्स फैमिली की, जैसे कि लेग्यूमिनोसी है या रोजेसी है या सोलेनेसी है, ये जो फैमिलीज है इनके अंदर पराग कण कुछ महीनों तक जीवित रह सकता है, यानी कि उसकी अंकुरण क्षमता है वो कुछ महीनों तक लंबी हो सकती है, कई मंथ उसमें लग सकते हैं। तो ये आपको बात याद रखेगी कि क्या है कि डाइकोट्स फैमिली के अंदर कुछ महीनों तक का हो सकता है, और मोनोकोट्स जो है उनके अंदर क्या है, लगभग 30 मिनट्स का इसके अंदर लाइफ पीरियड होता है परागकण का। उसके बाद अगर बात करें तो परागकणों का प्रिजर्वेशन भी किया जाता है आजकल, कि अपने परागकण जो है उनको अपने लंबे समय तक स्टोर करना है, हमें कोई अनुवांशिकता रूपांतरित कोई फसल प्राप्त करनी है या कुछ भी, कोई अपने को आर्टिफिशियल कोई हाइब्रिडेशन का प्रयोग करना है, संकरण का प्रयोग करना है, तो परागकणों की आवश्यकता उसमें पड़ती है। तो हम अगर परागकणों को लंबे समय तक प्रिजर्व रखते हैं, जैसे कि अपने जो कृत्रिम गर्भाधान के अंदर सीमन है उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करके पराग कणों को स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उनकी लाइफ टाइम तक लंबे समय तक वो स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उनका जीवन काल बढ़ जाता है। तो पराग कणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है, और इस प्रिजर्वेशन को क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, जब परागकणों को स्टोर किया जाता है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं परागकण की, जब संरचना देखते हैं तो परागकण के ऊपर एक बात आती है पोलन किट क्या होता है, परागकण की जो भित्तियां होती है या उसकी जो दीवार होती है, इनके ऊपर एक चिपचिपी तेलीय परत पाई जाती है, एक चिपचिपी तेलीय परत होती है जिसे कहा जाता है पोलन किट। ये चिपचिपी तेलीय जो परत है, ये इसके अंदर क्या क्या होते हैं, रासायनिक रूप से इसके अंदर लिपिड और कैरोटीन, लिपिड और कैरोटीन की बनी होती है जो पोलन किट होती है। पोलन किट क्यों है वहां पर, कि क्या काम है इसका, तो पोलन किट नंबर एक बार चिपचिपी कलर की, चिपचिपी प्रवृत्ति की होती है, जो कीट परागित जो पुष्प है उनमें पोलन किट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कीट परागित पुष्पों के अंदर क्या होगा कि जैसे कोई कीट है, जैसे कि अपने बी की बात करते हैं, मधुमक्खी है, तो वो क्या करती है, फूलों के ऊपर बैठती है, तो वो चिपचिपे होने के कारण, परागकण चिपचिपी परत के कारण, पोलन किट के कारण उसके पंखों से या उसके पैरों से चिपक जाते हैं, और जब वो किसी दूसरी पुष्प पे जाकर के बैठते हैं तो वहाँ पर वो परागकण जो है वो जड़ जाते हैं। तो ये जो पोलन किट है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, परागण के अंदर भी, पोलिनेशन के अंदर भी। तो दूसरा काम क्या करती है कि जो पोलन है, जो बीज अंदर, जो उसके अंदर जो सुरक्षित पार्ट है, जो नरीमुख बनना है, उसको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, जो यूवी रेज है उनसे प्रोटेक्ट करती है परागकणों को। तो पोलन किट भी आप याद रखना कि चिपचिपी तेलीय परत है, लिपिड और कैरोटीन से बनी हुई है, और परागण में हेल्प करती है, परागकण को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जो परागकण है उसके बारे में बात करते हैं, और परागकणों में क्या हो सकता है, तो परागकण एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको फूलों को सूंघने की आदत होती है, लेकिन कई बार कुछ फूल ऐसे हैं, कुछ पादपों के परागकण ऐसे होते हैं जो कि अस्थमा जो है, जैसी बीमारियां हैं या ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ऐसी जो बीमारियां हैं वो भी पैदा कर देते हैं, तो उनसे एलर्जी भी हो जाती है। तो पुष्प को, मैं आपको ये राय दूंगा, कभी भी बच्चों किसी भी पुष्प को सूंघना मत,
बहुत जोर से कुछ होता है पूरा पकड़ के पूरा खींच लेते हैं, तो पूरे खींचने की कभी आवश्यकता नहीं है। पुष्प को मत खींचो क्योंकि उसके साथ बहुत ही सूक्ष्म परागकण है, वो आपके जो है जो श्वसन तंत्र उसमें चले जाते हैं और एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। तो जैसे कि कौन कौन से पादप है जिनके परागकण ये कर सकते हैं, अपने मोनली बात करें तो जैसे कि अपने एक होता है गाजर घास, कैरेट ग्रास बोलते हैं, गाजर घास है, उसके जो परागकण है वो एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक चिनोपोडियम प्लांट होता है, चिनोपोडियम जिसे हम आमतौर पे क्या कहते हैं, बथुआ कहा जाता है, बथुआ, ठीक है, ये बथुआ जो है ये एक जो है फसलों के साथ उग के आ जाता है, एक खरपतवार के रूप में, वीड के रूप में उत्पन्न होता है, ये है। इसके अलावा अपने बात करें बथुआ के अलावा तो कौन सा होता है, अमरेंथस नाम का एक प्लांट होता है, वो भी क्या है, उसके भी परागकण एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रिसिनस है, रिसिनस जिसको अपने आम भाषा में अरंडी कहा जाता है, अरंडी, कैस्टर, रिसिनस या अरंडी, इससे क्या है कि ये भी क्या करते हैं, इसके परागकण भी एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। और अपने बात करें तो घास जो होती है, दूब घास जो होती है, दूब घास या जिसको साइनाडोन कहा जाता है, दूब घास या जो साइनाडोन है, इसके परागकण भी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और ये पुष्प जो है ये कुछ एलर्जी की वजह से आपके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और भी श्वसन संबंधी किसी को छींके आना शुरू होना या आंखों में पानी आना या स्किन पे रैशेज हो जाना, ऐसे भी ये काम कर सकते हैं, इसीलिए इसका भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। ये जो प्लांट्स मैंने आपको बताए इनके विशेष तौर से, इसके बाद में बात करें तो अपने पोलन प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। पराग उत्पाद जो है ऐसा माना जाता है कि पराग कण पोषण से भरपूर होते हैं, खूब सारा इनके अंदर पोषण होता है, खूब सारा न्यूट्रिशन होता है, तो इनके जो है पोषण के लिए लोग क्या है कि इनको खाते भी हैं। और वो खाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि फूल को ऐसा सीधा खा लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पराग कण को बढ़िया से निकाल करके बाहर उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद में उसकी टैबलेट्स बना दी जाती है, ठीक है, जिन टैबलेट्स बन जाती है, पोलन टैबलेट्स आती है, ठीक है, और इनके ड्रिंक्स वगैरह सिरप भी मिलती है, पोलन सिरप भी मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो धावक यानी कि एथलीट्स होते हैं और जो दौड़ने वाले यानी कि जो प्राणी जैसे घोड़ा है या जो कोई ज़्यादा पावरफुल जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो अपना पोषण या एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए इन उत्पादों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये परागकण जो है वो खाने के काम में भी आ सकते हैं, एनर्जी तो उत्पन्न करते करते हैं, उसके साथ साथ अगर इनके ढंग से प्रोसेसिंग की जाए तो ये खाने के काम भी आते हैं। तो ये अपना एक परागकण की संरचना के ऊपर और उसके कुछ अलग फैक्ट्स के बारे में टॉपिक था, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, ठीक है, हम प्रयास करेंगे उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,